नाहन की समस्त जनता ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है जिसमें उनकी जीत भी हुई है। सौभाग्य की बात यह है कि आम परिवार का बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। ये बात पहली बार विधायक बनकर नाहन पहुंचे नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने कही। उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया कि जीत उनकी नहीं सभी लोगों की हुई है। सोलंकी ने कहा कि विस्क क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग चुनकर आए हैं जिनका लक्ष्य राजनीति में सत्ता प्राप्ति नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री का नारा भी यही था कि सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन है। पहले दिन ही इसका संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिया है। संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए राहें आसान नहीं होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया है और कहा है कि नाहन के विकास के लिए वे दिन रात मेहनत करेंगे। चलिए जानते हैं कि सोलंकी ने और क्या कुछ कहा है। देखिए मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज के बाद आज यहाँ आना हुआ, अगले दिन मैं शिमला चले गया था और मैं सबसे पहले तो नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने एक समस्त जनता का जनता ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और सभी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता समस्त कांग्रेस पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों का जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और सभी लोग प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने कार्य किया और आज और पूरी समस्त जनता और कार्यकर्ताओं की ये जीत है। मैं आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जिनके कुशल नेतृत्व में। और एक आज सौभाग्य की बात है कि आम परिवार का व्यक्ति आज हिमाचल प्रदेश के सरोज पद पे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है उनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा और हिमाचल प्रदेश बुलंदियों तक पहुंचेगा। बहुत अच्छे लोग चुन के आए हैं जिनका लक्ष्य राजनीति में आने का सत्ता प्राप्ति नहीं थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शुरू से ही नारा था कि सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं और पहले ही दिन उसका संकेत भी मिला है। और राजनीतिक संस्कृति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज बहुत कांग्रेस पार्टी के पूरे हिमाचल प्रदेश में विधायक जो चुन के आए हैं सभी लोग राजनीति को तो जो इसी चीज़ के लिए लक्ष्य मान के रखते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और नान विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिन उम्मीदों के साथ अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को चुना है मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रयास करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और मुझे सीखने को भी बहुत मिलेगा। मैं अपने वरिष्ठ लोगों से भी उम्मीद करता हूं और आशीर्वाद मांगना चाहता हूं कि हमें इस जो कठिन पथ है तो जो लोकतांत्रिक संवैधानिक पदों पर बैठता व्यक्ति है उसके लिए राह आसान नहीं होती, राह बहुत कठिन रहती है और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिखाएं, मुझसे कोई गलती हुई उसे भी उसके लिए मुझे बताएं और आने वाले समय में जो भी व्यवस्था यहाँ रही है उसमें सुधार किया जाए। हिमाचल प्रदेश में सरकार विकास के लिए बनी है और हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य विकास हो हर वर्ग का, कर्मचारी वर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, पत्रकार बंधु हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग हों, जितने भी वर्ग हैं समाज के उनका उत्थान हो, उनके लिए नीतियाँ बने और विकास तभी होता है जब नीतियाँ योजनाएं बने। तो पूर्ण उम्मीद है मैं आपका एक बार फिर भी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत